जी ज्वाइनिंग अस राइट नाउ इज दलबीर कौर, द सिस्टर ऑफ सरब जी, शी इज ऑन द फोन लाइन विद अस। दलबीर, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आपने अपने भाई के लिए, खुश हैं? बिल्कुल, आज सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज मेरे करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और इनके चरणों में मेरी कोटिम बार नमस्कार, मेरे हिंदुस्तान के मीडिया के चरणों में नमस्कार, जिनके सत्कार, जिनकी बदौलत आज ये खुशी परिवार को मिली है। और मैं जरदारी जी का, अपनी सरकार का, राहुल जी का, सोनिया जी, अपने एसएम कृष्णा जी, श्री नागेश सिंह जी, भाजपा के तमाम लीडर साहिबान, मैडम वृंदा करात जी, पासवान जी, लालू जी, मुलायम जी, कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसा लीडर नहीं जिसने कि इस बात को नहीं किया था कि सर्वजीत की रिहाई होनी चाहिए। और विशेष तौर पर मेरे करोड़ों हिंदुस्तानियों और मेरे मीडिया का, सच में सच्चाई की जीत हुई है आज, मेरे मीडिया की और हिंदुस्तानियों की जीत हुई है, हिंदुस्तान की जीत हुई है। मैं तो जरदारी जी को करोड़ों बार दुआएं दूंगी और कहूंगी कि ईश्वर करे उन्हें इतनी ताकत, इतना बल मिले कि उनकी दोबारा से सरकार आए। अंसार बरनी जी का थैंक्स, जिन्होंने कि बार बार मुझे भरोसा दिया था कि नहीं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। शेख साहब का, जिनको कि इतना कुछ होने के बावजूद शेख साहब बराबर सर्विस की बात को करते रहे। आज मुझे सच में, आज मेरी भगवान ने दुआ जो है वे सुनी है, कबूल की है। ईश्वर करे आज जो खुशी मुझे मिली है, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी है। दलबीर जी, ये पांचवी क्लेमेंसी प्ली थी सरबजीत की, आपकी बहुत लंबी लड़ाई रही है, कभी लगा कि ये हो नहीं पाएगा? नहीं, मैं कभी ये नहीं सोचती थी, मैं ये कभी नेगेटिव मैं कभी नहीं सोचती थी। जब भी कोई बात होती मैं यही कहती कि जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं उसकी मिसेज से कहती, बेटियों से कहती, अरे ये इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी को जी लो, हंस के, कोई बात नहीं, वो जरूर आएगा। और मुझे गांव में जब लोग कहते थे, आजकल आप बहुत कम रहती हो, गांव में आओ ना, मैंने कहा अरे तुम्हारा सरबजीत लेकर आऊंगी, सरबजीत को ले आऊं फिर आऊंगी, फिर तो मुझे भिक्खी भिंडी रहना। और आज सच में वही सच हुआ। मेरे भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने की अरदासों को कबूल किया। और आज मेरी झोली में ये जो खुशी का समाचार आया, आपको कोई इत्तला मिली है कि कब रिलीज होंगे? ये अभी नहीं मैं किसी से बात कर पाई हूँ, लेकिन अभी आज मेरी श्री नागेश सिंह जी से जरूर मैं टच में थी। उनसे मैं कह रही थी कि विदेश मंत्रालय में जो होम विदेश सेक्रेटरीज की जो मीटिंग होनी है, सर प्लीज ध्यान रखना, तो उन्होंने मुझे अच्छा मैसेज किया था, तो सच में मैं उनके साथ टच में थी। नागेश सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अरे सरबजीत जी की रिहाई होगी, हम लोग पार्टी करेंगे। और सच में वो सारे ऑफिसर साहिबान जो मुझे कहा करते थे, देखना एक दिन जरूर आएगा, देखना एक दिन जरूर आएगा, सच में आज वो सच हो गया। बहुत बधाइयां हो, मेनी कंग्रेचुलेशंस देयर। टॉकिंग टू दलबीर कौर, शी इज द सिस्टर ऑफ सरबजीत, शी इज बीन फाइटिंग अ हार्ड फॉट बैटल ओवर इयर्स to obtain the release of our brother Sarabjit. Well, that's exactly what's happened. The president of Pakistan, Asif Ali Zardari, has commuted the death sentence of Sarabjit Singh to life imprisonment. Now, keeping in mind the amount of time Sarabjit has already spent in jail, in effect, Sarabjit would be released at the earliest, as confirmed by the spokesperson of the president, Mr. Babar.